आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एकदम हटके रेसिपी, हट करके एकदम लाजवाब, एकदम न्यू रेसिपी, जो एक बार अगर बना करके खा लोगे तो बार बार बनाने का इसका मन करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते। यहाँ पर हमने 2 से 3 खीरा ली है, इसको धुल करके छील लेते हैं। खीरा को हमने अच्छे से धुल करके छील लिया और इसको कर लेते हैं कट। खीरा तो हमारी कट करके हो गई है रेडी, और इसके लिए हमें जो सामान और चाहिए वो है 1 से 2 टमाटर, 1 से 2 प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियां। टमाटर को हम पीस लेते हैं और प्याज को हम करेंगे महीन महीन कट। हमारा प्याज भी कट हो गया है, हरी मिर्च और लहसुन को भी हमने अलग से पीस लिया है, और यहाँ पे हमने टमाटर भी अपना पीस के रख लिया। अब चलते हैं अपने गैस की तरफ। हमने गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख ली है, उसमें 1 से 2 चम्मच हमने तेल डाल लिया है और इसको होने देंगे थोड़ा सा गर्म। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब सबसे पहले हम अपनी जो खीरा कटी हुई थी उसको डाल के 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे। तेल गर्म अच्छे से हो चुका था और अब इसको धीमी आंच पर ही थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे। खीरा को भूनने से यह इसका जो पानी होता है वो थोड़ा सा सूख जाएगा, इसलिए हम इसको पहले भून रहे हैं। जब तक हमारी खीरा भून रही है तब तक हम अपने मसाले थोड़े से डालेंगे, जो हमने टमाटर पीसा हुआ था उसके अंदर हम अपने मसाले डालेंगे। आधी चम्मच हम डालेंगे पीसी हुई लाल मिर्च, हम हरी भी डाल चुके हैं, मिर्च अपना ज्यादा तीखा खाना और कम खाना वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे आधी चम्मच हम हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया, और नमक अपने अनुसार डालेंगे, कम या ज्यादा जो भी खाना पसंद करते हो। और इसको अच्छे से इसी में हम मिला लेंगे। खीरा हमारे 1 से 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच और तेल डालेंगे, ज्यादा तेल हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने खीरा को अपनी भून लिया है, हमने सिर्फ मसाला भूनना है अब इसमें। और अब जो तेल गर्म होने पर थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और इसको भी अच्छे से पहले जीरे को और हींग को भून लेते हैं। जीरा हमारा भून गया है, अब सबसे पहले लहसुन और मिर्चा डाल देते हैं। अब हमारे कटी हुई प्याज डाल लेते हैं और इसको 1-8 मिनट के लिए भून लेते हैं। प्याज को हल्के ब्राउन होने तक भूनना है। अब हम डालेंगे जो हमारे टमाटर और जो मसाले हैं उसको, और इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, और इतना भूनेंगे जब तक हल्का सा तेल न छोड़ दे। मसाला हमारा भून चुका है और उसने हल्का हल्का तेल भी छोड़ दिया है। अब हम अपनी डाल देते हैं भुनी हुई कटी हुई खीरा, और इसको अच्छे से मसाले में कर लेते हैं मिक्स, अच्छे से मसाला इसके अंदर लग जाए। और अब इसको ज्यादा पकाने की भी जरूरत नहीं है, ये 4 से 5 मिनट बस इसको और पकाना है और हमारी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। और ये सब्जी वेट लॉस करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, अगर इसका 1 महीने तक लगातार सेवन कर लिया तो बहुत ज़्यादा फायदा करती है ये, क्योंकि हम और जो सब्जी खाते हैं तेल मसाला रहते हैं वो नहीं खाना चाहिए, और इसमें न ज़्यादा तेल मसाला है न मसाले न कुछ और, एकदम सादी है लेकिन टेस्टी इतनी अच्छी लगती है। 5 मिनट ढक करके इसको पका देते हैं अच्छे से।
चार से पाँच मिनट हो गए हैं सब्जी को बनते हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारी सब्जी को। और ये देखें हमारी सब्जी बन करके हो गई है तैयार। देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और ये इतनी टेस्टी बनती है बहुत ही ज़्यादा। अब इसको गैस को कर देते हैं बंद और सब्जी को निकाल लेते हैं एक बाउल में। ये हमारी सब्जी बन करके तैयार हो गई। खीरा की कितना अच्छा कलर आया है और ये यकीन माने इतनी टेस्टी सब्जी बनती है। ऊपर से डाल देंगे हम इसमें हरा धनिया और एक बार आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। मैं गारंटी लेती हूँ एक बार आपने बना करके खा लिया तो आप दोबारा भी इसको जरूर बनाएंगी। तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक